आपसे ही सुरेंद्र राजपूत जी शुरुआत करते हुए, आम आदमी पार्टी का हमें इंतजार है, लेकिन बार बार आपकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि नेचुरल और नेशनल विकल्प कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी ही बनने जा रही है। और उसका ग्राफ उठाकर देख लिया जाए, 2012 में जब से वो अस्तित्व में आई है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस पार्टी ने कांग्रेस को ही दिया है। कैसे होगी भरपाई? देखिए चित्रा, जिसे कहते ना कि अपना सोचा होता नहीं और जनता का सोचा तत्काल, आज की डेट में आम आदमी पार्टी को बधाई पंजाब के लिए, पंजाब में वो चुनाव जीते हैं उनको बधाई, लेकिन उन्हें पंजाब का जनमत मिला है पंजाब की सरकार को चलाने के लिए, न कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए। विकल्प बनना सबके लिए क्या नाम लोकतंत्र में अधिकार है, और वो बने अच्छी बात है, अपनी ताकत दिखाएं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे देश में कांग्रेस के 750 से ज्यादा एमएलए हैं, कई जगहों पर हम सत्ता में और कई जगहों पर विपक्ष में हैं। जहां पर विपक्ष में है वहां पर भी तो हम लोकतांत्रिक जगह पर हैं ना, मध्य प्रदेश में हम विपक्ष में है, राजस्थान में हम सत्ता में है, छत्तीसगढ़ में हम सत्ता में, झारखंड में हम सत्ता में, महाराष्ट्र में हम सत्ता में है, ऐसी बात नहीं है। और क्या नाम उत्तराखंड में हम विपक्ष में है, कर्नाटक में हम विपक्ष में है, केरल में हम विपक्ष में है, तमिलनाडु में हम सत्ता में है, हाँ। असम में हम विपक्ष में है। तो मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि आम आदमी पार्टी अपना काम पंजाब के सीएम के रूप में मिला है, पंजाब की जनता की सेवा करने के लिए के रूप में मिला है। अगर वो राष्ट्रीय विकल्प बनना चाहते हैं तो बने, उसकी अच्छी है, लेकिन पंजाब के लोगों की आज आकांक्षाएं और अपेक्षाओं को पूरा करें। जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत चेतावनी भरे संदेश और संकेत लेकर आ रहे हैं, उस सवाल पर मैं लौटूंगी सुरेंद्र जी। लेकिन उसके पहले मंजिंदर सिंह सिरसा साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं जन्म ले रही हैं और भविष्य के लिए वो मान रही है कि बीजेपी की मोदी सरकार के सामने आम आदमी पार्टी ही विपक्ष की सबसे बड़ी धुरी बनेगी, किस तरह से देख रहे हैं उसके इस दावे को आप? देखिए, अगर हम पंजाब के नतीजे देखें तो डेफिनेटली उन्होंने दोनों की स्पेस ली है, जहां श्रोमणी अकाली दल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, वहीं कांग्रेस जो एक प्रदेश के अंदर अपने आप को वापसी आने की उम्मीद में थे उनके भी सपने चकनाचूर हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में एक बहुत बड़ी स्पेस थी। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं बची थी, उसके लिए एक जो बदल का विकल्प लोग ढूंढ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि किसान संघर्ष चल रहा था और किसान संघर्ष के चलते पंजाब के अंदर बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ और उसकी भरपाई करने के लिए केवल 15 दिन थे, और 15 दिनों में बीजेपी ने कम से कम यह जरूर स्थापित किया कि जो उसका वोट बैंक था उसको बढ़ाने में कामयाब हुए और जो सीटें थी वो उतनी बचाने में कामयाब हुए। लेकिन जो पंजाब के अंदर उम्मीद थी वो ऐसे परिणाम नहीं आए क्योंकि समय की सीमा थी, और ऐसे में कोई विकल्प और था नहीं सिवाय आम आदमी पार्टी के। तो आम आदमी पार्टी ने वहां पे जो उस विकल्प को भी अपने आप को वहां स्थापित किया उस विकल्प पे, और बड़े अच्छे नंबर से स्थापित किया है। ठीक है, कांग्रेस क्योंकि दिन ब दिन बहुत बुरी तरह गिरती जा रही है तो नेचुरली जो कांग्रेस की वोट है वही अब जा रही है उनके साथ, तो इसमें स्वाभाविक है कि जहां पे भी वो स्पेस लेगी वही देगी। अब आप अगर आप गोवा में भी देखें तो अगर कांग्रेस की 6 सीटें कम हुई हैं तो 2 आम आदमी पार्टी की बड़ी हैं, तो कम से कम ये बात जरूर है कि जहां भी कांग्रेस की सीट कम हो रही है, चाहे दिल्ली में बात करें तो वहां उनकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसलिए शायद वो विकल्प, मैं नहीं कह सकता कि वो नेशनल लेवल पे वो विकल्प बन पाएंगे, लेकिन कम से कम हाँ आज की तारीख में अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहां पे उन्होंने अपनी जो स्थिति को मजबूत किया है वो कांग्रेस का वोट बैंक लेकर ही किया। पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी, ये बातें आपको कड़वी जरूर लग सकती हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव झा, उनके पास में आऊंगी, लेकिन ये बातें आपको कड़वी जरूर लग सकती हैं। देश के कई ऐसे राज्य हैं, पूरा आंकड़ा लेकर मैं बैठी हुई हूं और ये आईना भी है आप लोगों के लिए, जिसको आप देखें तो आप में सुधार होगा, नहीं देखेंगे दरकिनार करेंगे तो आपका ही नुकसान है। कांग्रेस की मौजूदगी देश भर की विधानसभाओं की 17% सीटों पर ही सिमटती हुई चली जा रही है। 691 सीटों वाले 6 राज्यों में उसका एक भी विधायक नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद आप 2 सीटों पर आकर सिमट जाते हैं, उत्तराखंड में आप बीजेपी का उस तरह से विकल्प नहीं बन पाते हैं, 5 साल में सत्ता वहां बदल जाती रही है, लेकिन उस विकल्प को भी बीजेपी ने धराशायी कर दिया और वहां पर अपनी सरकार। कई ऐसे राज्य हैं और आगे आने वाले वक्त में तो गुजरात में चुनाव होने हैं जहां पर सीधी टक्कर हम सब ने देखी थी 2017 में, लेकिन इस बार मजबूती से और काफी पहले से ही बड़ी तैयारी के साथ जारी है आम आदमी पार्टी गुजरात में।
दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं चित्रा जी, मैं आपकी चेतावनी को सर आंखों पर लेता हूं और आपकी इस मीमांसा को भी धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेता हूं, क्योंकि आप जैसे ख्याति लब्ध पत्रकारों से कि क्या नाम जो मीमांसाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं और वो हमें मजबूती भी देंगी। ये बात सच है कि इधर हम संगठनात्मक रूप से भी कमजोर हुए हैं, इसमें हम कोई इस कमी को हम स्वीकार करते क्या वजह है, लेकिन मैं वही बात, अब मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं, उन्हीं वजहों को तलाशने के लिए हम लोग बैठे हैं, कल भी बैठे हैं, परसों भी बैठे हैं और आगे भी बैठेंगे और चिंतन करेंगे। और उन कमियों को इतिहास में भी हमने सही किया है, हमने आजादी से पहले भी सही किया, आजादी के बाद भी सही है, जब जब हम चुनाव हारे हैं हमने अपनी कमियों को दुरुस्त किया है। लेकिन आप अगर इस चीज को देखेंगे कि जहां पर तोड़ फोड़ के खेल चल रहे हो, धर्म जाति के खेल चल रहे हो, हिंदू मुसलमान के खेल चल रहे हो, तो कांग्रेस ने अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कह रहे धर्म राजनीति का खेल चला, सुनिए ना सर, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी से इस वक्त आपकी तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि आपका ग्राफ तेजी से बढ़ा है। अगर हम 2013 में देख लें, पहला चुनाव ये लोग लड़ते हैं, 28 सीटें आपको जाती हैं, आपको 8 सीटें जाती हैं। अगर उसके बाद वाले 2015 के इलेक्शन में देख ले, कांग्रेस पार्टी शून्य हो जाती है, ये लोग 67 सीटें जीतते हैं, बीजेपी 3 पर दिल्ली में विजय हासिल करती है। 2020 देख ले, इन लोगों को 62 सीटें मिलती है, बीजेपी को 8 सीटें मिलती हैं, आप लोग शून्य पर रहते हैं। लोकसभा के चुनाव में आप लोग शून्य पर रहते हैं। पंजाब में जहां पर आपकी सरकार थी, सिद्धू और चन्नी जैसे दिग्गज नेता थे, वहां पर आम आदमी पार्टी ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया और उसके बावजूद आप कहेंगे धर्म की राजनीति या लोगों को बरगला दिया, इस वजह से आपका ये हाल है। ये बात कहां तक जायज है सुरेंद्र जी? अपनी गलतियों का ठीकरा या अपना खामियाजा आप उनके सर मरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपकी सारी बातें हमारे सर माथे पर चित्रा। हम आपसे दो बातें तीन बातें कहना चाहते हैं। इससे पहला चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को तमाम लोगों ने 109 सीटें दे दी थी, हम लोग 70 सीटों के आसपास जीत करके आम आदमी प्रमुख विपक्षी दल हुई और तब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन था, उसको धराशायी आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हमें कम और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा धराशायी किया दूसरे चुनाव में, आपको मैं बात बताऊं। और उसके बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी लड़ी, क्या हाल रहा सबको पता।